हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर्स चलन। सत श्री अकाल, मैं हूं पिंकी और आज मैं अपनी बेस्टी के साथ जा रही हूं बाइंदर राधा स्वामी सत्संग डेरा पे। सो वी बोथ बिलोंग्स फ्रॉम उल्हासनगर और हमारी जो बस स्टॉप था वो था महाराजा हॉल। तो हम लोग घर से बाय वॉक जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ही डिस्टेंस था और हम लोग का मॉर्निंग का टाइम था अराउंड 5 बजे मॉर्निंग के, तो उस टाइम ऑटो मिलना भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग महाराजा हॉल पे पहुंच गए और वहाँ पे हमारी बस थी, खड़ी थी एंड एसी बस थी जिसकी प्राइस थी 350 रुपीज़ पर पर्सन। एंड ऑल्सो ये डेरा बस ही थी, यानी कि सत्संग वालों की तरफ से ही प्रोवाइडेड थी, वरना तो आप अपनी गाड़ी ओला या अपनी अलग से बस करवा के भी जा सकते हैं। एंड एसी एंड नॉन एसी दोनों बसेस अवेलेबल रहती है, तो आप जिसमें जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। सो मेरी पूरी फैमिली राधा स्वामी से बिलोंग करती है, सबका नाम लिया हुआ है लेकिन मेरा और मेरी फ्रेंड का नहीं लिया हुआ है अब तक। अगर आपको नामदान लेना है तो आपको अपने लाइफ में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि नामदान लेने के बाद कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं जिनको आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला रूल है कि आपको कभी भी नामदान लेने के बाद लाइफ में कभी भी, जब तक जिंदा हो तब तक, चाहे कोई भी मजबूरी क्यों ना आ जाए, आपको नॉनवेज नहीं खाना है। अब यहाँ पे मजबूरी क्यों बोला मैंने, कभी कभी किसी को बीमारी हो जाती है और कोई लोग या फिर डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा तो ही आप बच सकते हो, तो ऐसे नहीं करना है आपको। आपको विश्वास रखना है बाबा जी पे और नॉनवेज कभी भी नहीं खाना है, टच भी नहीं करना है। जो नॉनवेज खाते हैं उनके घर का पानी तक आपको नहीं पीना है। अब यहाँ पे कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते लेकिन अंडा खाते हैं, ये बोल के कि अंडा नॉनवेज नहीं होता। बेशक अंडा नॉनवेज होता है, एगिटेरियंस हो आप तो भी आपको ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द मेन रूल, आपको नॉनवेज किसी भी तरह का नॉनवेज नहीं खाना है, चाहे वो मांस मच्छी हो या फिर अंडा हो, ठीक है। दूसरी बात, आपको कोई भी अल्कोहलिक चीज़ नहीं पीनी है, कोई भी नशीली चीज़, दारू, तंबाकू, बियर, सिगरेट, कोई भी ऐसी जो बुरी हैबिट होती है वो आपको नहीं खानी है और नहीं पीनी है। के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि आपको किसी भी जानवर को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है। मैंने बहुत सारे लोगों को, बच्चों को भी देखा है कि वो पत्थर उठा के पेट्स को या फिर रोड पे जो कुत्ते होते हैं उनको मारते हैं, तो बच्चों से ज़्यादा आई थिंक उनके पेरेंट्स की गलती होती है कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं सिखाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको किसी भी बर्ड को या फिर जानवर को जानबूझ के तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है कि आपको कभी भी किसी को धोखा नहीं देना है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ का हो रिश्ता, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, तो किसी को भी आप चीट नहीं करना है आपको लाइफ में। उसके बाद आपको लाइफ में किसी के पैसों पे, प्रॉपर्टी पे नज़र नहीं रखनी है, फाइनेंशियली भी चीट या धोखा नहीं देना है आपको। अपने हक की, अपनी मेहनत की कमाई आपको खर्च करनी है। एंड ऑल्सो आप अगर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपकी जितनी भी मंथली अर्निंग है उसमें से आपको दसवंत यानी कि दसवां हिस्सा उस इनकम का निकालना है और उससे आपको किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करनी है। अगर आप किसी भगवान में मानते हो मैं गुरुद्वारे में, तो आप लंगर सेवा में दे सकते हो, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद की किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो, या फिर आप जानवरों की हेल्प कर सकते हो। बेसिकली वो जो दसवंत का इनकम है ना, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट आपको अच्छे काम में ही खर्च करना है एवरी मंथ। उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट रूल है वो सबसे डिफ़िकल्ट है लेकिन वो सबसे ज़्यादा कंपल्सरी है, इन सब रूल्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो वाला रूल, कि नामदान लेने के बाद, जैसे आपको नामदान मिलता है उस दिन के बाद, आपको डेली दिन में या फिर रात में, स्पेशली जो हमें टाइम दिया जाता है वो होता है मिड नाइट, यानी कि रात को 12 बजे से लेके 6 बजे तक आपको
ढाई घंटे निकालने हैं, फिर आप चाहे 12 बजे से 2:30 बजे तक बैठो, 2 बजे से 1 बजे से, या जो भी आप टाइमिंग्स बैठना चाहते हो, बट रात के 12 बजे से 6 बजे तक वो आपको टाइम कवर करना है मेडिटेशन का। 2.5 घंटे आपको मेडिटेशन कंपलसरी डेली रात को करना है। रात को नहीं कर पा रहे हो दिन में करो, लेकिन पूरे 24 घंटे में वो आपको 2.5 घंटे कैसे भी निकालना है। मेडिटेशन आपको करना है, जो आपको नामदान मिलता है वो जाप करना है, एंड वो आपको किसी को बताना नहीं है। एकांत में बैठ के आपको मेडिटेट करना है वो। अगर आपको नींद आ रही है तो आपको नींद को साइड रख के भी वो रूल फॉलो करना है। लेट के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, चलते हुए कुछ काम करते हुए कर सकते हो, लेकिन आपको करना है मेडिटेशन 2.5 घंटे डेली। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो दवाई लेके कर सकते हो, कोई हॉस्पिटलाइज है, एडमिट है, तो वहाँ पे भी आपको करना है, क्योंकि इस नामदान की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, आपको रूल फॉलो करना है, करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए करना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा जी अपने हर सत्संग में यही समझाते हैं कि आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग का रास्ता प्राप्त करने के लिए आपको किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जी आपके भीतर हैं, आप मेडिटेशन करके अपनी जो 7 चक्रास होती है उसको जनरेट करके, एंड जो हमारा मेन चक्रा होता है उसको आप ओपन करके और वहाँ तक पहुँच सकते हो। उसके लिए मेडिटेशन इज़ द मेन की। सो फाइनली हम लोग उल्हासनगर से बायंदर पहुँच चुके हैं, जो कि है मीरा रोड बायंदर। आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा बायंदर मुंबई। ओके, सो बाबा जी के डेरे में आपको शूटिंग करना, व्लॉग करना या फिर फोटोग्राफी क्लिक करना आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपको सेवादारी ने देख लिया तो आपका फ़ोन ले लिया जाएगा एंड सारे फ़ोटो वीडियो डिलीट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग डेरे में एंटर करते हैं, वहाँ पे बस पार्किंग, ऑटो पार्किंग, ओला पार्किंग या फिर आपकी कोई प्राइवेट गाड़ी है, टू व्हीलर है, ऑटो पार्किंग है, हर व्हीकल का एक अच्छे से सिस्टम बना हुआ है। वहाँ के सेवादारी अच्छे से गाइड करते हैं आप सबको, एंड 9 बजे सत्संग चालू होता है, तो आपको 8:45 तक सत्संग पंडाल में पहुंच जाना है। उससे पहले आपको अपना जो भी अगर लगेज है, अगर आप लगेज कैरी करते हो वहाँ पे स्टे करने के लिए, तो वो आपको वहाँ पे जमा करवा दिया जाएगा, उसके बदले आपको कूपन मिलेगा। ओके, एंड आपका फ़ोन भी जमा करवा दिया जाएगा, क्योंकि अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है। तो आप सत्संग पंडाल में अपने फ़ोन्स, बैटरी चार्जर या पावर बैंक या फिर ब्लूटूथ, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, लैपटॉप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते हो। आपको सब यहाँ पे कूपन की सुविधा से जमा करवा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक एंड डिनर की सुविधा मिल जाएगी। लंच एंड डिनर में यहाँ पे फ्री लंगर सेवा चालू रहता है, एंड ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे कैंटीन है, जिसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा कम है। आपको 5 रुपए की चाय और कॉफ़ी मिल जाएगी, 12 रुपए की पूरी भाजी मिल जाएगी, 8 रुपए की पोहा की प्लेट मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको फ्रूट्स भी मिलते हैं, बनाना, चीकू, कोकोनट। यहाँ पे आपको बिस्किट्स, टूटी फ्रूटी भी मिल जाएगी, जो कि आप घर पे लेके जा सकते हो, एंड वो सब चीज़ें आपको कूपन के सहायता से मिलेगी। फर्स्ट आपको कूपन लेना है और कूपन के ज़रिए आप ये सब चीज़ें परचेस कर सकते हो। रेट्स आपको मार्केट के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही कम में मिल जाएगा। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट हम चलते हैं सत्संग पंडाल की तरफ, और इस टाइम हमें हमारा फ़ोन जमा करवाना पड़ेगा। और सत्संग के बाद यहाँ पे आपको लंगर सेवा भी मिल जाती है, जो कि उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना होता है, लेकिन लंगर खाने के बाद आपको अपनी प्लेट खुद वॉश करनी होती है। अगर आपके साथ कोई ओल्ड एज पीपल आ रहा है जो चल नहीं पा रहे हैं या जिनको कोई हेल्थ इशू है, तो आप यहाँ के सेवादारी से हेल्प ले सकते हैं, और वो आपको उनके लिए व्हील चेयर प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैंटीन से लेके सत्संग पंडाल काफ़ी दूर है, आपको एटलीस्ट 30-40 मिनट्स का वॉक करना पड़ेगा,
तो यू नो कोई नहीं चल पाता है तो उनके लिए सेवा अवेलेबल है। बाबा जी के सत्संग में यहाँ पे हर कास्ट हर धर्म के लोग आते हैं, यू नो अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से, इवन फॉरेनर्स भी आते हैं, काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स भी आते हैं, बिकॉज़ बाबा जी स्पिरिचुअलिटी से हमें जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने सत्संग के ज़रिए समझाते हैं। सो अगर आपको मेरा ये छोटा सा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप लाइक कर रहे हो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर रहे हो। और मैं एक और बात बोल रही हूँ, यहाँ पे शूटिंग फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैं तो ये वीडियो ये प्लेस सबके साथ शेयर करना चाहती थी, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है, इसीलिए मैंने छुप के यहाँ पे शूट किया है। वरना आप अगर टाइम पास के लिए या मस्ती के लिए या रील्स के लिए शूट कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना, बिकॉज दिस इज़ नॉट अलाउडेड।